हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वक्र का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे कि आप दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि ये वक्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो जो दोस्तों यहाँ पे वक्र है वो है ए वी और सी डी, इसके बीच का जो हमें दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो डेरिवेशन उन्होंने किया है तो हम डेरिवेशन तो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, डेरिवेशन नहीं देख सकते, यहाँ पर हम सिर्फ सूत्र देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ जो सूत्र होगा दोस्तों इसका ये हो जाएगा कि देखिए आपको दिख रहा होगा अतः करके जो फार्मूला दिया हुआ दोस्तों वो दिया हुआ है इंटीग्रेशन लिमिट ए टू वी। ओके, लिमिट दिया हुआ है ए टू वी, उसके बाद जो दोस्तों अंदर लिखा वो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन है एक्स का जो फंक्शन होगा दोस्तों वो लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमें डी एक्स रख दिया जाएगा। उसके बाद जब इतना रख देंगे दोस्तों तो हमें क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी का एरिया निकल आएगा। ओके, देखो इसको दोस्तों इसको दूसरे प्रकार से यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ मैं तो दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ए बी सी डी का तो इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन लिमिट ए टू वी इंटू वाई। अब वाई दोस्तों यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि दोस्तों अगर हम वाई का जो हमें दोस्तों इक्वेशन दिया रहेगा उसका अगर हम वहाँ पे वाई का वैल्यू निकालता हूँ तो वाई का वैल्यू जो दोस्तों निकल के आता है वो सिर्फ एक्स का फंक्शन निकल के आते हैं, जो कि हमें यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है एक्स का ही फंक्शन रखना है। ओके, यहाँ पे क्या रखना है, सिर्फ एक्स का फंक्शन रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सिर्फ वाई अगर निकालेंगे तो हमें सिर्फ एक्स का फंक्शन निकल के आएगा। तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ए बी सी डी का होगा वो होगा दोस्तों इंटीग्रेशन ए टू वी इंटू वाई इंटू डी एक्स। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों ये तो हमारा सिर्फ फार्मूला हो जाएगा। ओके, तो आगे चल के देखते हैं यहाँ पे इक्वेशन कैसे आते हैं, उसको हल कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको न्यूमेरिकल समझाने के लिए यहाँ पर हमने ये वाला न्यूमेरिकल चूज किया है जो उदाहरण नंबर टू है। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल निकाले। ओके, इन्होंने एक वृत्त दे रखा है जिस जो दोस्तों क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया है, इसका हमें बोला है क्षेत्रफल निकालने के लिए। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे दोस्तों जो क्षेत्रफल निकलता है वो इस हिसाब से निकलता है। जैसे यहाँ पे वृत्त है तो वृत्त को देखते हुए निकलेगा, अगर दोस्तों आयत रहेगा तो आयत को अगर परवलय रहेगा तो परवलय, दीर्घ वृत्त रहेगा तो दीर्घ वृत्त। ओके, तो सेफ के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे सब सूत्र लगाया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ जब वृत्त रहेगा दोस्तों तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है फोर इंटू चतुर्थांश ओ ए बी का क्षेत्रफल। ओके, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों जो अगर बिना फिगर देखिए आपको तो मालूम नहीं होगा, तो यहाँ को मैं सबसे पहले फिगर दिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ यहाँ पे फोर क्यों मल्टीप्लाई हुआ। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है ओ ए बी जो हमारा चतुर्थांश है वो कुछ इस प्रकार से है। ओके, इतना सिर्फ है, इतना है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि इसी हिसाब से हमारे चार और हैं, तीन और हैं दोस्तों, तो मिला के हमारे टोटल हो रहे हैं चार। तो एक दो तीन चार, अगर दोस्तों हम एक का क्षेत्रफल निकाल के चार से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो टोटल का क्षेत्रफल निकल आएगा। ओके, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है हमारा फोर से मल्टीप्लाई किया गया है। अब देखिए यहाँ दोस्तों बात आती है कि जो लिमिट है यहाँ पे ए टू वी है, लिमिट कितना लिया जाए। ओके, तो आपको दोस्तों यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि जो लिमिट रहेगा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक लिया जाएगा। ओके, एक्स एक्सिस भी यहाँ पे एक्स वाला फंक्शन होता है तो यहाँ पे एक्स वाला ये लिया जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, लिमिट जीरो होगा, जीरो से लेके ए तक होगा, तो यहाँ जीरो टू ए कर दिया गया लिमिट। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे वाई का जब वैल्यू निकालेंगे तो जो हमारा फार्मूला दिया था वो कितना दिया हुआ था वहाँ पे दोस्तों, फार्मूला नहीं इक्वेशन दो दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। ओके, इतना दिया हुआ था, तो यहाँ से वाई का वैल्यू निकालेंगे तो कुछ इतना निकल जाएगा, जब इतना निकल जाएगा दोस्तों यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद दोस्तों जब इतने हम समाकलन करते हैं तो ये दोस्तों एक सूत्र होता है, ये सूत्र दोस्तों आपको जरूर याद रख लेना है क्योंकि ये हर एक सवाल में यहाँ पे लगभग लगने वाला है, क्योंकि जब दोस्तों हम यहाँ परवलय का निकालेंगे तभी लग जाएगा और जब यहाँ दोस्तों हम दीर्घवृत्त के निकालेंगे तभी लग जाएगा। ओके, तो यहाँ आपको दोस्तों ये वाला सूत्र याद रख लेना, कहीं दोस्तों यहाँ पे जो पूछा जाता है वो वृत्त का ही पूछा जाता है या तो परवलय या तो दीर्घवृत्त, तीनों में से दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाते हैं तीनों में से पूछा जाता है। ओके, तो ये आपको याद रख लेना ये वाला सूत्र। देखिए यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ इसका सूत्र होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, अगर ये अंडर रूट दिया हुआ है इतना इक्वल टू क्या होता तो हो जाएगा दोस्तों वन बाई टू इंटू एक्स। ओके, यहाँ पे एक्स है वन बाई टू इंटू एक्स अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर दोस्तों कितना था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ दोस्तों जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में हाफ ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स वाई ए। ओके, तो इतना दोस्तों ये सूत्र होता है तो ये आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमारा लिमिट दिया हुआ था जीरो टू फोर, यहाँ पे जो फोर जीरो टू ए, यहाँ पे दोस्तों जो फोर था मल्टीप्लाई में तो फोर अभी यहाँ पे है, यहाँ पे लिमिट रख लेंगे दोस्तों। लिमिट रखने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाते हैं तो एक्स के स्थान दोस्तों सबसे पहले हम ए रखेंगे, उसके बाद माइनस करके हम जीरो रखेंगे। ओके, सबसे पहले दोस्तों यहाँ एक्स है तो यहाँ ए रख दिया, यहाँ भी एक्स था यहाँ पे ए रख दिया मैंने, फिर यहाँ दोस्तों ये तो था ही यहाँ पे, फिर यहाँ एक्स था तो यहाँ ए रख दिया। ओके, अब देखिए जब दोस्तों यहाँ पे जीरो रखूंगा मैं तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो रखूंगा तो ये पूरा पद जीरो दोस्तों, और यहाँ जब दोस्तों जीरो रखूंगा तो साइन जीरो और साइन जीरो इसका मान जीरो था दोस्तों, तो ये वाला पद भी जीरो हो जाएगा, ये और ये दोनों पद जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस जीरो प्लस जीरो कर लिया गया। ओके, अब देखिए यहाँ दोस्तों क्या है कि ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे भी जीरो आया तो ये भी पद जीरो हो गया, बचा सिर्फ ये वाला पद बचा, तो यहाँ पे देखिए जीरो वन बाई टू ए इंटू जीरो यहाँ पर कर दिया गया। ओके, उसके बाद फिर हाफ इंटू ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए एक आ गया यहाँ पे, क्योंकि ए अपान में ए बोले तो एक। अब देखिए एक जो होता है दोस्तों यहाँ पे साइन नब्बे का वैल्यू कितना होता है एक होता है, तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा फाइव बाई टू आ जाएगा। यहाँ देखिए जैसे कि रखा गया फाइव बाई टू, ये तो जीरो हो गया और ये पद दोनों कैंसिल, बचे सिर्फ इतना ही।
ओके इतना ही बचे, तो 1/2 यहाँ पर दोस्तों 4 था मल्टीप्लाई में, तो 4 × 1/2 a² हो गया। अब इतने के साथ दोस्तों आ गया कितना 5/2। ओके यहाँ पे दोस्तों 1/2 यहाँ पे जो 2 है ये 4 से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 4 हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 5 × a². तो ये हमारा जो दोस्तों फाइनली आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ पे जो वृत्त का ये क्वेश्चन दिया था उसका जो क्षेत्रफल पूछा था उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको दोस्तों कुछ नहीं करना था, सिर्फ यहाँ पे जितना जो भी क्वेश्चन दिया था हमें यहाँ पे, जैसे इक्वेशन इस प्रकार दिया था, तो क्वेश्चन अगर चेंज भी है तो वहाँ पर सिर्फ वाई का फंक्शन एक्स का फंक्शन निकालना है। भाई एक्स का फंक्शन तभी निकलेगा जब हमें वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके वाई का वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों, तो उस साइड सिर्फ हमें एक्स का ही फंक्शन बचेंगे। ओके जब एक्स के फंक्शन बचेंगे तो उसको यहाँ पे रख देंगे। अब दोस्तों बात आती है लिमिट रखने की, तो लिमिट रखना आपको बता दिए कि दोस्तों यहाँ पे जब यहाँ पे एक का हम चतुर्थांश ले रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं पूरा, यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे कितना है हमारा लिमिट 0 है, और यहाँ दोस्तों कितना तक हो गया a हो गया, यहाँ से यहाँ तक a हो गया। ओके तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे लेना। अब देखिए बात आती है दोस्तों जो ये a है ये कैसे हम जानेंगे कि a है, दोस्तों यहाँ पे a ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कहीं तो कहा नहीं इसका त्रिज्या a है। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए जो हमारा फार्मूला होता है यहाँ पे वृत्त का, तो दोस्तों वृत्त का होता है x माइनस में h का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में k का होल स्क्वायर इक्वल टू a का होल स्क्वायर होता है। ओके इतना होता है, तो इतना दोस्तों जो ये a होता है ये होता है दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए जो a होता है ये होता है त्रिज्या। ओके यहाँ पर जो h कामा k होता है दोस्तों वो केंद्र होता है, तो यहाँ पे h और कामा k जो दोस्तों दिया हुआ है वो 0 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ देखिए जो x एक्सिस गया है और y एक्सिस गया है वो हमारा कहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जहाँ काट रहे हैं उसी को हमारे इसका सेंटर बनाया गया इस वृत्त का। ओके फ्रेंड्स तो यहाँ से हमें a का वैल्यू निकाल ली है। अब दोस्तों हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों वक्र दिया हुआ। ओके यहाँ पे फाइनली कहा नहीं कि वृत्त है कि परवलय है कि परवलय है कि दीर्घवृत्त। ओके यहाँ पे सिर्फ बोला वक्र दिया हुआ है, और यहाँ पे जो दोस्तों सूत्र दिया हुआ है ये कुछ मतलब हमें पता नहीं कि ये किस चीज किसका वक्र का फार्मूला है, यहाँ जैसे हमारा वृत्त का फार्मूला है कि दीर्घवृत्त का फार्मूला है, तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया रहे। तो उसके बाद फिर कह रहा तथा यक्ष अक्ष द्वारा घेरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या क्या मेन बात दोस्तों, यहाँ पे यक्ष अक्ष द्वारा घेरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब दोस्तों क्या करना है, यहाँ देखिए वक्र यक्ष अक्ष को उन बिंदुओं पर काटेगा जहाँ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 होगा। यक्ष अक्ष पर उन बिंदुओं पर काटेगा जहाँ दोस्तों वाई इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों हमारा है एक्स एक्सिस है, तो ये जो वक्र हमारा आया है यहाँ पे इसी तो काट रहा है एक्स एक्सिस को, ये जो वक्र आ रहा है दोस्तों एक्स एक्सिस इस बिंदु पर काट रहा है, तो इस बिंदु पर दोस्तों वाई इक्वल टू क्या 0 है। तो इसी प्रकार से इन्होंने कहने की कोशिश किया है कि जहाँ काटेगा वहाँ क्या होगा दोस्तों वाई इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों वाई इक्वल टू इन्होंने 0 रखा, 0 रखा तो यहाँ पे दोस्तों जब वैल्यू निकालेंगे एक्स का, ओके आप थोड़ा हल कर लीजिएगा, यहाँ पे जब आप 0 रखेंगे उसके बाद दुई घात प्रमेय बनेगा, दुई घात प्रमेय बनने के बाद दोस्तों दुई घात प्रमेय बनने के बाद यहाँ पे एक्स का एक वैल्यू ये निकल जाएगा और एक्स का एक वैल्यू ये निकल जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों एक्स इक्वल टू 2 निकल गया, एक्स इक्वल टू -1 निकल गया। तो आपको देखने से लग रहा है जो दोस्तों लोअर लिमिट होता है वो कम होता है, जो अपर लिमिट होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे लोअर कौन सा है -1 है, अपर कौन सा दोस्तों 2 है। ओके उसी हिसाब से यहाँ पे हम दोस्तों -1 2 ले लेंगे यहाँ पे। ओके जो लिमिट लेना है -1 2 ले लेंगे, और जो दोस्तों यहाँ पे फंक्शन है एक्स एक्सिस का, एक्स का जो फंक्शन रहेगा वो वाई इक्वल टू एक्स के फंक्शन सब हैं, तो यहाँ पे वाई का वैल्यू रख दूंगा यहाँ से निकाल के, तो वाई का वैल्यू ये है, तो इन सबका समाकलन कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए इन सबका समाकलन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई दोस्तों 1 का सॉरी समाकलन यहाँ पर कितना होता है एक्स होता है, एक्स का समाकलन करेंगे तो x² / 2 और x² का करूंगा तो यहाँ पे x³/3 हो जाएगा। अब दोस्तों जो लिमिट रहेगा, लिमिट रखने के बाद यहाँ पे जो हमें वैल्यू निकाल के लाएंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके इसी प्रकार देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करके हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे परवलय तो बोला, लेकिन जो ये सूत्र दिया हुआ दोस्तों इसमें हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि परवलय का हमें क्या है, यहाँ पे जो लिमिट होना चाहिए एग्जैक्टली वो क्या है। ओके तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मैं देखता हूँ आगे चल के कि कह रहा है तथा यक्ष अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यहाँ भी सेम कंडीशन है कि यक्ष अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ भी x² दोस्तों 0 रखूंगा तो एक्स का वैल्यू दो वैल्यू निकल के आएंगे एक्स का। देखिए जहाँ भी यहाँ पे दोस्तों x² y² 0 रखते हैं तब x² कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे a± a हो जाएगा। उसके बाद जब दोस्तों x² 0 रखूंगा तो यहाँ पे y² 3 हो जाता है। ओके अब देखिए यहाँ पे जो परवलय बना हुआ दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से बना होगा, क्योंकि जब x² 0 बनाऊंगा मैं यहाँ पे y² 0 बनाऊंगा तो यहाँ पे आके काटेगा और यहाँ पे आके काटेगा। ओके तो यहाँ पे दोस्तों कितना है ये ±a है, तो इधर -a हो गया और इधर से +a हो गया। ओके अब दोस्तों जब मैं वाई एक्स पे, क्योंकि परवलय तो इतने पे टिका नहीं रहेगा इसी पे, परवलय तो और आगे पीछे जाएगा, या तो इधर आएगा या तो उधर जाएगा, तो यहाँ पे मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि जो दोस्तों वाई एक्सिस पे है वो कितना दूरी पे है। ओके तो यहाँ पे दोस्तों x = 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ जो कर्व आ रहा काट रहा है वाई पे
वो वाई पे काट रहा है, वहाँ पे क्या होगा, एक्स इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे, फिर दोस्तों जो वाई का वैल्यू निकल गया था वो निकल के आता है थ्री है। अब थ्री है दोस्तों जो कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो मतलब ऊपर रहेगा, तो दोस्तों पॉजिटिव है तो ऊपर रहेगा, तो हमारा जो परवलय बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर जब वो इस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों, तो हमें एक का यहाँ पर किसी एक का, जैसे कि हमारा इस साइड का, इस साइड इतने का ही हमें यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकाल लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक इसके जैसे एक और है, तो यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमें टू से मल्टीप्लाई करना पड़ा है, वाई का वैल्यू निकाल लूँगा यहाँ पे दोस्तों। आप यहाँ से वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, तो जो लिमिट हो जाता है दोस्तों यहाँ पे जीरो टू वन हो जाता है, सॉरी ए हो जाता है, जीरो टू ए हो जाता है। तो यहाँ पे जो लिमिट हो जाएगा जीरो टू ए हो जाएगा। ओके, क्योंकि अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वाई एक्सिस का नहीं लिया जा रहा है, क्यों क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस का फंक्शन लिया जा रहा है, मतलब एक्स के फंक्शन को लिया जा रहा है। ओके, यहाँ पे एक्स के फंक्शन लिए जा रहे हैं, तो इसलिए हम एक्स एक्सिस को ही ध्यान में रखते हुए इसको हल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जब इतना हो गया तो इसका समाकलन कर देंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर है, थ्री बाई टू को तो हम बाहर लेते हैं, यहाँ पे थ्री से टू का मल्टीप्लाई हो जाए तो सिक्स बाई ए हो जाएगा। ओके, थ्री बाई ए है तो यहाँ पे सिक्स बाई ए हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू वन हो जाएगा, वन का समाकलन करता हूँ दोस्तों एक्स हो जाता है। फिर एक्स स्क्वायर करता हूँ तो एक्स पावर तीन अपान में तीन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिमिट लेना है हमें जीरो टू ए है। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका तो मल्टीप्लाई है ही, तो फिर जो यहाँ पे सबसे पहले लिमिट रखना है हमें ए रखना है, फिर माइनस में करके जीरो रखना है। तो यहाँ एक्स के स्थान पे ए रखूँगा तो यहाँ पे ए क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई है ए से, यहाँ पे एक्स के मल्टीप्लाई है, तो यहाँ ए रखा जाएगा। तो ए स्क्वायर इंटू ए मतलब ए क्यूब, यहाँ ए क्यूब हो गया। यहाँ पे दोस्तों एक्स के स्थान पर ए रखूँगा तो यहाँ पे ए क्यूब बाई थ्री। उसके बाद जब दोस्तों यहाँ पे जीरो रखता हूँ तो ये जीरो हो गया यहाँ पे, और यहाँ भी जब जीरो रखता हूँ तो यहाँ भी ये भी जीरो हो गया। और इसको जब हल करता हूँ दोस्तों फाइनल निकल गया था हमारा फोर ए स्क्वायर वर्ग वर्ग इकाई। ओके फ्रेंड्स, यहाँ आपको ये चीज़ लिखना जरूरी है, यहाँ पे वर्ग इकाई ये भूलना मत दोस्तों, नहीं तो आपको एक दो नंबर तो कैंसिल हो जाएगा। आप अगर पूरा करके आते हैं तब भी आपको यहाँ पे एक दो नंबर तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वर्ग इकाई क्यों लिखना है, क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई मात्रक इसका दिया नहीं कि मीटर में दिया हो सेंटीमीटर में दिया हो। अगर हमें दोस्तों सेंटीमीटर दिया होता तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, मीटर में दिया होता तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कोई ऐसा बताया नहीं है सही सही कि हमें कौन सा सेंटीमीटर में मीटर में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्ग इकाई। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे एक और प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि यहाँ पे कहा है एक्स अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो किसी क्वेश्चन दोस्तों अगर आपको कह देता है यहाँ पे वाई एक्सिस के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना दोस्तों, यहाँ फार्मूले में जैसे यहाँ फार्मूला रखता था, तो यहाँ पे हम कितना रखते थे, सिर्फ दोस्तों एक्स का फंक्शन रखते थे। अगर हमें एक्स एक्सिस के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, अगर वाई एक्सिस के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो यहाँ पे सिर्फ हमें वाई का फंक्शन रखना है। वाई का फंक्शन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों तो हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिर्फ वाई का फंक्शन आएगा एक्स की वैल्यू निकालने के बाद। ओके, तब दोस्तों फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिमिट ए टू बी हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा इंटू डी वाई हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों जब इस प्रकार से दिया है तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा सूत्र। तब दोस्तों यहाँ पे जब हमें लिमिट निकालना रहेगा, वहाँ पर सबसे पहले हमें एक्स इक्वल टू जीरो रखूँगा, उसके बाद हम वाई इक्वल टू जीरो रखूँगा। ओके, उस हिसाब से देखेंगे कि हमारा जो परवलय बन रहा है वो ऊपर में बन रहा है कि नीचे बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, फिर दोस्तों उसके बाद हल कर लेंगे हम। अब दोस्तों देखिए कुछ स्टूडेंट यहाँ पे पूछेंगे कि सर पूरा तो बताया नहीं यहाँ पे आपने, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसके पहले और वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, तो उसका लिंक है दोस्तों वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप देख के हल कर लेना। ओके, और कुछ दोस्तों अपने आप से भी ट्राई करना, अच्छा कर सकते हैं उसके बाद हम। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आया है तो चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करिए, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।